फलक के YouTube चैनल किस्सा कहानी की ओर से हमारे सारे श्रोताओं को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं लावण्या नायडू आज आपको सुनाने जा रही हूँ फलक के लेखक अनुभव सिन्हा जी की लिखी कहानी ससुराल की पहली होली। शादी के बाद पहली होली मनाने ससुराल जा रहा था। खुशी बीवी से मिलने से ज्यादा सालियों के गालों को याद करके आ रहा था। खुशी खुशी पहुंच गए बस स्टैंड और उससे ज्यादा खुशी खिड़की वाली सीट मिल गई। आप भी सोच रहे होंगे कि बस में बैठने की खुशी, खुशियों का क्या है, मैं तो बस में खिड़की के पास वाली सीट पर बैठकर भी इतना लुत्फ उठा लेता हूँ जितना मोदी जी हवाई जहाज में फर्स्ट क्लास के उत्तर ग्लास से झांक कर भी नहीं ले पाते होंगे। खैर, लंबे सफर के बाद ससुराल पहुंचा। नजरें सालियों को देख रही थी और बीवी मुझे। मौके की नजाकत को भांपते हुए बीवी पर ही कॉन्सेंट्रेट किया जाए सो खाना खाके बीवी से बातें करने लगा। अगले दिन होली। बचपन से मेरा सपना था कि मैं अपनी सालियों के साथ होली खेलूं और आज वो सपना सच होने जा रहा था। उठते ही सालियों के रंग से स्वागत किया और बीवी ने ताने से। जैसे जैसे दिन चढ़ा खुमार भी चढ़ता गया, किसी एक को भी नहीं छोड़ा और फिर सभी ने मिलके मुझे नहीं छोड़ा। फिर वो पकवान का स्वाद हो और वो हंसी मजाक। आज भी होली में बीवी को जब ससुराल याद आता है और मुझे ससुराल में सालियों के साथ होली, वो आंखों से आंसू बहाती है और मैं दिल से रोता हूँ। ये कहानी इतनी ही। कैसी लगी आपको अनुभव सिन्हा जी की लिखी कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके शादी के बाद की पहली होली कैसी रही वो भी ज़रूर बताएं। मैं लावण्या नायडू अब आपसे विदा लेती हूँ, मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।